हेलो दोस्तों, हम हैं राहुल और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आर के आर नॉलेज में। दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और आप परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, हम आपको यही सुझाव देंगे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आधार की डिजिटल कॉपी फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास यह भी नहीं है तो इसे भी ऑनलाइन जाना जा सकता है। 12 अंकों वाला यह सरकारी आइडेंटिफिकेशन नंबर एक तरह से अनिवार्य है और एक तरह से नहीं भी, लेकिन यह ज़्यादातर सरकारी कागजातों में पहचान पत्र के तौर पर काम आता है। आधार कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी डिजिटल कॉपी भी उपलब्ध होती है, जिसे UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, जो कि वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी खासियत यह है कि इसकी डिजिटल कॉपी भी ओरिजिनल कार्ड की तरह ही सभी जगह पर मान्य होता है। अगर आपने आधार कार्ड खो दिया है और आपको नई की ज़रूरत है या फिर आपको डिजिटल कॉपी चाहिए ताकि किसी भी ऑनलाइन फॉर्म के साथ इसे जमा किया जा सके, तो आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप कैसे डाउनलोड करेंगे, हम आपको यही बात इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो सबसे पहले आपको उसका UID आधार कार्ड नंबर जानना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से आधार कार्ड है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट नंबर डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। पर अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो सबसे पहले हम नंबर जानने का प्रोसेस जानते हैं। तो आपका आधार कार्ड नंबर जानने के लिए सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, हम यहाँ पे आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हैं अभी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आधार ऑनलाइन सर्विसेज आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको सभी सर्विसेज मिल जाएगा जो कि आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि डाउनलोड आधार कार्ड, चेक स्टेटस, ऑनलाइन अप्लाई, आधार अपडेट रिक्वेस्ट। यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नए आधार के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अभी यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जानते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिट्राइव लॉस्ट UID ID पे क्लिक करना होगा। और अगर आपका आधार कार्ड का डिटेल्स आपको पता है, मीन्स का आपका नाम, जो भी एड्रेस था उसमें आधार कार्ड में और जो मोबाइल नंबर था, तो आप यहाँ पे गेट आधार नंबर ऑन मोबाइल पे भी क्लिक करके रिट्राइव कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रिट्राइव लॉस्ट UID ID पर। दोस्तों, यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आधार नंबर चाहिए, तो अपना आधार नंबर को सिलेक्ट कर दें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम डाल दें, वही जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर है, सेम नेम वही डालिए। उसके बाद यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर, दो में से कोई एक डाल सकते हैं जो कि आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर है। आप वही मोबाइल नंबर डालिए जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो इमेज में दिख रहा है वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। जब आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर डाल के वेरीफाई कर दीजिए। आप जब वेरीफाई कर देंगे तो वेरीफाई होने के बाद आपका आधार नंबर या तो ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाएगा। इस तरह आप अपना आधार नंबर रिट्राइव कर सकते हैं ऑनलाइन। सो फ्रेंड्स, अब आपका आधार नंबर मिल चुका है तो अब हम आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं। उसके लिए हम बैक चलते हैं होम पेज पे। यहाँ पे डाउनलोड आधार कार्ड लिंक आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। अब आप ये इम्पोर्टेंट नोट देखिए, जब आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें पासवर्ड होगा, PDF फॉर्मेट होगा, उसमें पासवर्ड होगा 8 कैरेक्टर का। उस पासवर्ड का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होगा और उसमें जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर होंगे वो आपके नाम के फर्स्ट 4 लेटर्स होंगे कैपिटल में, और उसके बाद के जो 4 कैरेक्टर्स होंगे वो आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा, मीन्स कौन सा साल है वो। एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे नाम सुरेश कुमार है और डेट ऑफ बर्थ मतलब ईयर ऑफ बर्थ 1990 है, तो पासवर्ड है फर्स्ट 4 लेटर कैपिटल में नेम का SURE, उसके बाद 4 लेटर ईयर का मतलब डेट ईयर ऑफ बर्थ का। इस तरह आप पासवर्ड होगा PDF का, जो आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होगा और उसका पासवर्ड ऐसा होगा, ये ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, इसे क्लोज करते हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एनरोलमेंट ID, VID और आधार। हमने तो अभी आधार नंबर लिया तो यहाँ पे हम आधार पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमारे पास आधार नंबर है। अब यहाँ पे आधार नंबर जो 12 डिजिट का हमने अभी रिट्राइव किया था वो यहाँ पे डाल दीजिए।
उसके बाद फुल नेम यहाँ पे डाल दीजिए, वही नेम जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालिए, जो भी पिन कोड मतलब जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर था उसी का पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए जो इमेज में दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन आता है डू यू हैव TOTP। TOTP मीन्स फ्रेंड्स, अगर आपके पास एम आधार एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो आप उसमें जाकर TOTP जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एम आधार नहीं है तो आप डायरेक्ट उसको मोबाइल नंबर पे OTP को ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसको कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करते हैं जिससे हमारा OTP मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपको OTP मिल चुका है तो OTP यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद आप जब डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे अब आपका आधार कार्ड PDF फाइल के तौर पर डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, इसका पासवर्ड आपके नेम का फर्स्ट 4 लेटर कैपिटल में और उसके बाद आपका ईयर ऑफ बर्थ 4 लेटर, इस तरह आपका कुछ पासवर्ड होगा। आपको समझ में ना आया तो यहाँ पे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। अब आप इस फाइल का प्रिंट आउट ले सकते हैं या पूरी तरह से मान्य आधार कार्ड है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, गुड बाय।